और अब यह खबर है न्यूज उत्तर प्रदेश चैनल की। हम दिखा रहे मादी कानपुर देहात से, जहां पत्रकारों का धरना सत्याग्रह तीसरे दिन भी जारी है। आपको बताते चले प्रेस क्लब कानपुर देहात के बैनर तले जनपद कानपुर देहात के पत्रकार साथी स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे। पिछले पखवाड़े पत्रकारों ने माती मुख्यालय में प्रदर्शन कर एसपी डीएम समेत मुख्यमंत्री को जनपद कानपुर देहात की स्वास्थ्य सुविधाओं में भ्रष्टाचार के संबंध में 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा था। मांगे पूरी न होने पर पत्रकारों ने सूचना देकर 18 अक्टूबर 2021 सोमवार से माती मुख्यालय जिला पंचायत गेट के बगल में धरना स्थल प्रस्तावित किया। पत्रकारों का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम सत्याग्रह जारी रखेंगे, जरूरत पड़े तो आगे चलकर भूख हड़ताल भी करेंगे। सत्याग्रह तीसरे दिन प्रमुख रूप से धरने पर बैठे विजय शंकर कौशल, दीपक सिंह चौहान, ब्रजेंद्र गुप्ता के साथ नौशाद मंसूरी, उमाकांत कश्यप, लखनलाल पांडे, श्यामा बाबा, देवीश, अजय कटियार, गोविंद कुशवाहा, विनीत गुप्ता, रजनीश कुमार, अभिषेक प्रजापति, आनंद शुक्ला सहित दर्जनों पत्रकार शामिल रहे। न्यूज उत्तर प्रदेश समाचार चैनल से विनीत कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। सत्याग्रह का आज तीसरा दिन है और कितने भी दिन बैठना पड़े जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम इस सत्याग्रह को खत्म नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर इस सत्याग्रह को भूख हड़ताल में तब्दील कर दिया जाएगा। जनपद कानपुर देहात के स्वास्थ्य विभाग में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पत्रकार ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जनता, गरीब जनता को जिला अस्पताल से कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध होती हैं। दलालों का जमावड़ा है और वो लोग मरीजों को बरगलाकर प्राइवेट नर्सिंग होमों में भेज देते हैं, जहां पर महंगे महंगे बिल बनाकर जनता का शोषण किया जाता है। करोड़ों रुपया सरकार कानपुर देहात में भेज रही है कि गरीब जनता को स्वास्थ्य की सुविधा मिले। जिला अस्पताल 70 सैया का 50 बीघे में बना है और बगल में 30 सैया का अस्पताल महिलाओं का बना है। आपको जानकारी दें वो बंद पड़ा है। जो 100 सैया का अस्पताल जिला अस्पताल में बच्चों का है वहाँ भी केवल रिफर सेंटर है। और आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ अकबरपुर में कुछ ऐसे अस्पताल हैं जो एक बिसुआ जमीन पर बने हैं और उनको 100